आपली चिंता क्षणाक्षणाला आहे सद्गुरु जनार्दनाला। कहते हैं उचित और अहम कारण की वजह से भगवान मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेकर इस पावन धरती की बिगड़ी हालत को सुधारने और मानवता को आशीर्वाद देने की इच्छा के कारण ही वे इस मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजान्यहम्। भारत संतों की भूमि। संत ज्ञानेश्वर, श्री संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत निवृत्तिनाथ, संत नामदेव, संत नरहरि महाराज, संत सावतामाली, ऐसे अनेक महान संतों ने यहाँ जन्म लेकर लोगों का जीवन अपने कार्य से मंगलमय बनाया। निजाम, मुगल और अंग्रेजों के आक्रमण के कारण हिंदुस्तान में अनेक धर्मों का अस्तित्व बढ़ रहा था। जगह जगह पर हिंदू देव देवताओं के मंदिरों को उध्वस्त कर दिया जा रहा था। साल 1914, एक तरफ आजादी की लड़ाई और दूसरी ओर धर्म की लड़ाई। धर्म का मानो अस्तित्व मिट रहा था। सब तरफ लोग परेशान थे, मानो किसी धर्म के मसीहा की तलाश में उनकी आंखें लगी थी। फिर एक साक्षात्कार हुआ। कन्नड़ तालुका, गांव टापर गांव, 24 सितंबर 1914, माता महलसाई और पिता अप्पा साहब उगले, इनके घर इस महान विभूति ने जन्म लेकर हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। उस महान शिवात्मा का मानवावतार नाम था निष्काम कर्मयोगी श्री संत जनार्दन स्वामी। जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तब संस्कृति मुस्कुराती है। जनार्दन स्वामी अपने दोस्तों के साथ शिवना नदी के तट पर जाकर रेत के छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते। छोटी सी उम्र में ही वो शिव भक्ति में लीन हो चुके थे। बचपन से ही धर्म की ओर लगाव तो था, उसके साथ साथ सुबह सुबह गांव की प्रदक्षिणा और 11 मारुति हनुमान जी को जलार्पण करने का रोजाना नियम ही बन गया था। काम, माता और भक्ति, यही उनके जीवन में महत्वपूर्ण अंग थे। घर में भक्ति को होते हुए विरोध के कारण वो दुखी रहते थे। अब वो करंज गांव में आकर श्री माणिक शेठ झांबड़ के घर में वास्तव करने लगे थे। उनकी खेती का काम भी संभालने लगे। काम के साथ साथ वे लोगों में गीता, भागवत और हरिपाठ पहुंचाने का धार्मिक कार्य भी करने लगे थे। माणिक शेठ बड़े धार्मिक थे। विठ्ठल का दर्शन लेने पंढरपुर गए। चंद्रभागा नदी में स्नान करके जैसे ही वे बाहर निकले तो जनार्दन उन्हें विठ्ठल का दर्शन लेकर जाते हुए दिखे। वो समझ गए जनार्दन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि असामान्य योगी पुरुष है। माणिक शेठ पहले वो इंसान थे जिन्होंने जनार्दन को पहली बार बाबा जी कहकर पुकारा। एक दिन बाबा जी कुहे में स्नान करने लगे। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हुई, पर बाबा जी स्नान जप में लीन थे। 100 माला जप करने के बाद बाबा जी ने जैसे ही अपना पैर उठाना चाहा तो देखा उनका एक पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। फिर भी उनका भक्ति का नित्य क्रम शुरू रहा। बाबा जी अब वापस दहेगांव आ गए। अब दहेगांव में भी धर्म का काम शुरू किया, पर परेशानियां उनका इम्तिहान ले रही थी। और एक दिन मानो उनकी आत्मा उनके शरीर से बेघर हो गई। माता मालसाई का देहांत हो गया। अब तो उनकी मानो दुनिया ही उजड़ गई। वो अंदर सुल आ गए। 34 वर्ष की उम्र में बाबा जी ने योगाभ्यास, यजुर्वेद, सामवेद
और योग अध्ययन पूरा करके तीव्र तपश्चर्या का भी आरंभ कर दिया। एक पैर कमजोर होने के बावजूद बाबा जी रोजाना 18-18 घंटे सिर्फ एक लौंग और एक वाटी दूध पर तप साधना करते रहे और एक दिन साक्षात्कार हुआ। नागेश्वर मंदिर में आकाशवाणी हुई, बालक तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम्हें गुरु बनाना होगा। नागा बाबा उम्र में कम लेकिन बड़े तेजस्वी, बाबा जी ने उन्हीं को अपना गुरु बनाकर उनसे दीक्षा लेकर जीवन का दूसरा अध्याय शुरू किया। पिनाकेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार, ऊंचे पहाड़ पर बसा पुराना शिव मंदिर। वक्त के चले उस मंदिर की बुरी दशा हो चुकी थी। बहुत सारे भक्तगण श्रमदान करने वहां आने लगे। अब धर्म की गंगा जाते गांव में बहने लगी थी। तो बाबा जी के मन में एक ख्याल बार बार आता रहा कि यही पिनाकेश्वर मंदिर से भक्तों के लिए अनुष्ठान की परंपरा शुरू करना। अनुष्ठान एक ऐसी विद्या जो जीवन को कल्याणकारी बनाती है, साथ में भगवान की प्राप्ति का रास्ता भी मिलता है। शरीर मन और बुद्धि के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है। पर धन, परान्न, पर निंदा और परस्त्री, इन चारों का त्याग। वैदिक पर्व काल में सिर्फ ऋषि मुनियों द्वारा की जाने वाली जप तप और अनुष्ठान प्राचीन परंपरा को आम इंसान तक पहुंचाने का महान कार्य बाबा जी ने शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर अनुष्ठान की शुरुआत होती है। 5 बजे नित्य विधि, आरती और गुरु के द्वारा मिलने वाले गुरु मंत्र का जाप शुरू होता है। 7 दिन चलने वाले इस अनुष्ठान में 1.25 लाख जप पूरा होने से एक अनुष्ठान संपन्न होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले अनुष्ठान से आज लाखों भक्त सुखकर और मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग अपना दुख लेकर बाबा जी के पास आने लगे। बाबा जी उन्हें भस्म देकर उनकी समस्या का निवारण करते थे। अंदर सुल में की गई तीव्र उपासना वेद अध्ययन का फल स्वरूप सामने आया और बाबा जी ने नित्य नियम विधि का आविष्कार किया। बाबा जी हमेशा कहते थे, जो घेल माझी विधि त्याची जाईल आधी व्याधि। आगे लक्ष्य था वेरूर। बाबा जी वेरूर आकर बसे। दान दक्षिणा और श्रमदान से सिद्धेश्वर मंदिर का काम आरंभ हुआ। साथ ही में बाबा जी ने खेती की अहमियत को जानते हुए वहां पड़ी बंजर जमीन को लोगों के श्रमदान से उपजाऊ कर लिया। श्रमदान बाबा जी के कार्य का महत्वपूर्ण अंग। बाबा जी हमेशा कहते थे, माता हमें दुनिया दिखाती है, तो श्रमदान के निष्काम सेवा से अंतकरण शुद्ध होता है, साथ ही में शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है। भक्ति हमें भगवान से मिलवाती है। एक महत्वपूर्ण कार्य बाबा जी जानते थे, पढ़ाई। जिस तरह भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने संदीपानी ऋषि से विद्या संपादन की, वही लुप्त हुई गुरुकुल परंपरा को बाबा जी ने शुरू करके पाठशाला का निर्माण किया। उनका संकल्प था कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बच्चों पर होने जरूरी है। इसी के चलते बाबा जी ने वेरूर में पाठशाला का निर्माण किया, जो आज प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रूप धारण कर चुकी है। बाबा जी का संकल्प था 12 शिवालयों का जीर्णोद्धार, पंढरपुर और काशी में भक्तों के लिए आश्रम। उसी के चलते बाबा जी ने सिद्धेश्वर वेरूर, जनेश्वर महादेव मंदिर संभाजीनगर, पारेश्वर महादेव मंदिर पालखेड़, काशी विश्वेश्वर पुनतांबा, हृदयेश्वर महादेव मंदिर त्र्यंबकेश्वर,
ऐसे 9 शिवालयों का काम बाबा जी ने पूरा किया, साथ ही में पाठशाला, आश्रम, बंजर जमीन उपजाऊ करने का काम भी पूरा हुआ। ऐसे अनेक महान कार्य बाबा जी द्वारा किए जा रहे थे। गाय से क्या नाता है? गाय तो हमारी माता है, गाय धर्म का प्रतीक। इसी गो माता के सेवा के लिए आश्रम में एक मंगलमय परंपरा का सूत्रपात हुआ और वेरूर में गो सेवा के लिए गौशाला का भी निर्माण बाबा जी ने किया। हिंदू संस्कृति में ऋषियों और संतों का महत्व भगवान स्वरूप माना जाता है। ऋषि सेवा एक ईश्वर सेवा मान्य है, इसी कारण से संतों के लिए निवास निर्माण किए। बाबा जी के मुख्य संकल्प है लोक कल्याणकारी अनुष्ठान, श्रमदान, अन्नदान, गोमाता पालन पोषण, गुरुकुल परंपरा का जतन करते हुए वेद पुराण का अध्ययन। ऋषि और कृषि यही ईश्वर सेवा है। ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य का निर्माण करते हुए एक नए परिवार का निर्माण हुआ, जय बाबा जी भक्त परिवार। धर्म करा धर्म करा, त्याने देव ही येईल खरा। धर्म पांडवांनी केला, देव अंगी राबविला। धर्माविना नाही गती, धर्म जीवाचा सोबती। धर्म का कार्य निरंतर करते करते करोड़ों लोगों को शिव भक्ति का मार्ग देकर अपनी दैवी शक्ति से उनके दुखों को मिटाकर। नाशिक के आश्रम में 10 दिसंबर 1989 को गीता जयंती ब्रह्म मुहूर्त पर भगवान शिव के प्रिय प्रदोष काल में बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए। 11 दिसंबर 1989 को सुबह लाखों भक्तगण और साधु संतों की उपस्थिति में बाबा जी को कोपरगांव आश्रम में समाधिस्थ किया गया। सोलह दिन संपन्न हुए। षोडशी उत्सव के समाप्ति पर बाबा जी के इच्छानुसार पट्टाभिषेक समारोह संपन्न होकर श्री संत परम पूज्य शांतिगिरी जी महाराज को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। साल 1975 नवंबर त्र्यंबकेश्वर में कुछ लोग एक बालक को बाबा जी के पास लेकर आए। वजह थी उस बच्चे की आंखें चले गई थी। बाबा जी ने बच्चे से नाम पूछा, बाबू। बाबा जी ने विभूति पिलाकर कुछ विभूति आंखों को लगाकर 3 दिन वही रहने को कहा। 3 दिन बाद बाबू की आंखें एकदम ठीक हो गई। माता पिता को मानो आसमान छोटा सा लगने लगा। माता पिता बच्चे को घर ले जाने लगे तो बाबा जी ने कहा, बाबू को यही मेरे पास ही रहने दो। माता पिता कुछ उदास से हो गए। भगवान की लीला उसे इंसान कैसे समझ सकेगा? वही हुआ जो भगवान की इच्छा थी। वही बालक है श्री संत जनार्दन बाबा जी के उत्तराधिकारी। महामंडलेश्वर 1008 साक्षात प्रभु का अवतार स्वामी शांतिगिरी जी महाराज। स्वामी जी ने अपने गुरु की महिमा लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया, साथ में अपने गुरु का संकल्प पूरा करने का काम भी शुरू हुआ। 8वें पुण्य स्मरण पर स्वामी जी ने बड़ा अनुष्ठान समारोह करने का संकल्प किया। 21,000 अनुष्ठाइयों को अनुष्ठान में सम्मिलित करना था, पर साक्षात्कार हुआ और 21 के बजाय 50,000 अनुष्ठाई अनुष्ठान में बैठे। यही गुरु की लीला थी। स्वामी जी ने 11वें पुण्य स्मरण पर 51,000 अनुष्ठाइयों को बिठाने का संकल्प किया और उसी दिन से मौन व्रत शुरू किया, जो आगे 9 साल तक जारी रहा। विश्व शांति समारोह का आयोजन हो रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप गांव गांव में बाबा जी का कार्य लोगों तक पहुंचने लगा। सिर्फ 2 साल में केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत बाबा जी के कार्य और महिमा से जुड़ गया। इसका जवाब मिला साल 2000 का विश्व शांति समारोह। 1,45,000 लोगों ने अनुष्ठान का लाभ उठाया, तो हजारों भक्तों ने श्रमदान और अन्य धार्मिक कार्यों में सहभाग किया। अनेक संत महंतों ने
श्री संत शांतिगिरि जी महाराज के इस महान कार्य को सम्मानित किया और आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं भी दी। पूरा विश्व इस समारोह से हक्का पक्का रह गया। जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने इस महान कार्य के उपरांत श्री स्वामी शांतिगिरि जी महाराज को महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक समारोह में 1008 महामंडलेश्वर पद बहाल किया। साल 2008 में हॉलैंड ने श्री स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू पुरस्कार से विश्व शांति दूत का किताब वर्ल्ड पीस सेंटर सिंगापुर ने देकर स्वामी जी को सम्मानित किया। श्री संत स्वामी जनार्दन स्वामी जी के संकल्प अनुसार स्वामी जी ने 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। उसमें नर्मदेश्वर महादेव मंदिर शिवपुरी, रुद्राएश्वर महादेव मंदिर नीमगांव और अमृतेश्वर महादेव मंदिर टुनकी, साथ ही साथ अपने गुरु के इच्छानुसार पंढरपुर और काशी में आश्रम का भी कार्य पूरा किया। अपने गुरु के कार्य को बढ़ाते हुए स्वामी जी ने एलोरा प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक टुनकी, संवतगांव, महलगांव, उपखेड़ और वाराणसी उत्तर प्रदेश श्री संत जनार्दन स्वामी गुरुकुल का भी कार्य संपन्न किया। यहाँ छात्रों को शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के चलते संस्कार शिक्षा भी मिलती है। उम्र के 17 साल से शुरू किया हुआ सिर्फ फलाहार का व्रत पिछले 45 साल से निरंतर चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान आदि कर स्वामी जी योगाभ्यास और प्राणायाम करते हुए 5 बजे नित्य नियम विधि पूर्ण करके अपने गुरु के बताए हुए श्रमदान कार्य को पूरा कर 9 बजे स्वामी जी का पूजा हवन अग्नि कार्य संपन्न होता है। 9 बजे से शुरू होता है लोगों का दुख निवारण कार्य जो 1 बजे तक निरंतर चलता है। 1 बजे लोगों के दर्द का निवारण कर 1 बजे फिर से स्नान कर स्वामी जी हवन कार्य में जुट जाते हैं। आरती और सत्संग का आयोजन होता है। 10 बजे से सभी आश्रम गुरुकुल आदि का जायजा लेकर स्वामी जी 11 बजे विश्राम के लिए अपने कुटिया में चले जाते हैं। आपली चिंता क्षणा क्षणाला आहे जगत गुरु स्वामी शांतिगिरिना। इस व्यस्तता के चलते स्वामी जी ने अपने गुरु के आशीर्वाद से 62 आश्रम 7 गुरुकुलों का निर्माण किया। तो अभी कई जगह पर भक्तों के सुविधा के लिए और भी कार्य चल रहे हैं। नासिक में एक अभूतपूर्व शिवालय इसी कार्य का एक अंग है।